वैसे ही अगर आप क्रोध में बैठ गए, क्रोध रूपी बस में बैठे हो, तो आपकी यात्रा कभी सुगमता से होने वाली नहीं है। आप नीचे उतर गए, जरा सा जरा सी चिंगारी एक एक भूसे को ढेर को जलाकर राख कर देती है। जरा से हमारा नियम टूटा पंडित जी, हम सोचते हैं यह टूट गया, चलो दूसरा ले कर लेंगे, दूसरा भी अरे टूट गया, टूट जाता है नियम तो, टूट जाता है, तीसरा भी अरे टूट ही जाता है, ऐसा करते करते पूरे भूसा के ढेर को जलाकर राख ही कर दिया। जितने नियम लिए थे वह सब सारे के सारे आलस प्रमाद में तोड़ डाले। मंदिर हमारा कुछ पुण्य बढ़ कम रहा है क्या बात, पुण्य नहीं बढ़ता। हमने बोला आपका पुण्य, आपने पद्म पुराण पढ़ा, अरे पूरा पद्म पुराण पढ़ लिया, तीनों भाग पढ़ लिए, मूल प्रकृति से पढ़ लिया। हमने कहा अच्छा हाँ, फिर मंदिर कभी जाते हैं 8 दिन में 15 दिन में चले जाते पंडित जी अभिषेक, अरे जब तुम 8 दिन 15 दिन में 1 दिन मंदिर जाते तो अभिषेक क्या करते हो गए? तब बोले हाँ कभी कभी कर लेते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया है, तुम्हारा पुण्य तो बहुत बढ़ने वाला है, तुमने पद्म पुराण पढ़ा? अरे पूरा पढ़ लिया हमने पद्म पुराण, हमने समय सार भी पढ़ लिया। अच्छा और क्या पढ़ा? उनने पर 2-3 शास्त्रों के नाम पढ़े बताए। तुमने इतने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मात्र पढ़े हैं कैसे? एक राजा के पास एक चित्रकार 3 पुतलियां लेकर गए पहुंचा, बिल्कुल हूबहू सेम एक सी थी, कोई ऊपर से देखे तो कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं निकाल सकता था। राजा ने उस चित्रकार से पूछी इसकी कीमत क्या है, तो वह बोला एक की 300 रुपये, एक की 500 रुपये, एक की 10,000 रुपये। सब अचंभित, दरबारी अचंभित, राजा अचंभित, प्रजाजन अचंभित, सेम मूर्ति, सेम कलर, सेम वजन, सेम आकार, लेकिन एक की कीमत 300 रुपये, एक की 500 रुपये, एक को 10,000, आखिर भेद क्या है? सब आए बोले सब आप देख लो क्या है, पहले आप देख लो। देखा, सबने देखा, कुछ समझ में नहीं आया। तब आखिरकार राजा ने पूछा आखिर इसमें भेद क्या है? तब वह कहते हैं कि यह मूर्ति है, इन मूर्ति के अंदर कान है, कानों में छिद्र लगे हुए हैं, एक कान से छिद्र ऐसे हैं कि इस कान से डालो उस कान में डालो निकल जाएगा, उसकी कीमत है 300 रुपये, उसकी कीमत है 300 रुपये। एक मूर्ति ऐसी है जिसकी कीमत 500 रुपये है, उसमें कान में डालो और मुख से निकल जाएगा, कान में डालो कोई भी वस्तु डालोगे आप मुंह के द्वारा निकल जाएगी। और 10,000 वाले की ऐसी क्या विशेषता है? वह बोलते हैं, वह चित्रकार बोला महाराज इसकी विशेषता यह है, इसकी विशेषता यह है, इसकी विशेषता यह है कि यह कान में डालो और हृदय में जाकर आत्मा पर समाहित कर लेती है, यह इस तीसरी मूर्ति की विशेषता है। पंडित जी हमने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, मैंने पढ़े क्या, सुने इस कान से सुने बस, पहली मूर्ति की तरह उसमें निकाल दिए सार ग्रहण, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमने बोला अगर तुमने पद्म पुराण पढ़ा है, पूरा पढ़ लिया, तो उसमें अभिषेक से लेकर मंदिर जाने से लेकर भाव बनाने से लेकर मूर्ति विराजमान करने तक किस अभिषेक से कौन सा फल प्राप्त है, वह भी चित्रण दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार अभिषेक करना चाहिए, कौन सा अभिषेक करना चाहिए और कितना फल प्राप्त होता है। तो अब तो फिर जब आप पढ़ चुके हो तो आपने बिल्कुल सेम पहली प्रतिमा की तरह, पहली मूर्ति की ही तरह आपने उसे अंगीकार किया है। अगर आप दूसरी प्रतिमा की तरह, दूसरी मूर्ति की तरह भी अगर अंगीकार कर लेते तब भी आप, हम शिव यात्रा पर जा रहे हैं, हम सामायिक में बैठ गए, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रोध जरूर कर रहे हैं। हम आजू बाजू देखते हैं, अरे इसने कचरा हमारे पास से निकल गया और हमें नमस्कार नहीं किया, हम इतने बड़े पंडित हैं, हम इतने बड़े पढ़ने वाले हैं पंडित जी, यह आपका क्रोध बैठा है। वहीं जाकर आप चिल्लाने लगते हैं सचिन भैया चिल्लाने लगते हैं, क्यों तुम्हें दिखता नहीं था, हम बैठे हैं यहाँ, तुमने हमें नमस्कार नहीं किया।
है अपनी स्वयं की विवेक की क्रिया है। आप क्रोध कर बैठे, आप क्रोध कर बैठे, आप तो मात्र इतने ही बैठे थे। उनसे मिलो, उनसे मिलो, दीपायन मुनि से मिलो, सबने कथा पढ़ी हुई है, सब जानते हैं, लेकिन हम मानते किसी की नहीं है। क्रोध तो हम करेंगे, हर हालत में करेंगे, करना ही है, क्योंकि हमारा संसार बढ़ाना है, हमारा संसार अभी बहुत दूर है, इसलिए हमें करना ही है। वह तपस्वी सम्राट दीपायन मुनि मात्र जरा से क्रोध से, जरा से क्रोध से, जिस पर तुमने क्रोध कर लिया वह तो चला गया, लेकिन तुम तो पहुंच गए नीचे, तुम तो स्वयं जल करके भस्म हो गए। आपकी शिव यात्रा, आपकी मोक्ष यात्रा, वहीं पर आप उस बस से मोक्ष रूपी यात्रा में, बस में जो सवार हुए थे, उससे आप नीचे उतर गए, नीचे उतर गए। इसकी भव्यता होती है, वही यहाँ पर बैठ पाता है, वही स्वाध्याय कर पाता है, वही तत्व का निर्णय कर पाता है, वही श्रवण कर पाता है, अन्यथा तो आए सचिन भैया बैठे और चले गए। पाश्चात्य संस्कृति है, पंचम काल है, इस पंचम काल को भी मन का पंचम काल को भी बंदर कह दिया है। पंचम काल बंदर है, जिस प्रकार बंदर नटखट होता है, उसी प्रकार यह पंचम काल भी नटखट है, और उस बंदर पर कहते हैं नीम पर करेला चढ़ा। ठीक उसी प्रकार उस बंदर को बिच्छू ने डंक मार दिया, वह वैसे ही चंचल होता है, बिच्छू ने डंक मार दिया, वह और अति चंचल हो गया, और फिर उस पर किसी अज्ञानी मदपाई ने उसे थोड़ी सी मदरा और पिला दी, बस बस अब वह बंदर बस में आने वाला नहीं है। तीन काल में वह बंदर कभी भी बस में आने वाला नहीं है। ऐसे ही यह मन रूपी हमारा बंदर है, इस मन रूपी पंचम काल में इस मन रूपी बंदर को हमने क्या किया है, पाश्चात्य संस्कृति का डंक लगा दिया है। इस संस्कृति का डंक लग रहा है तो अब हम जाकर के विचलित हो रहे हैं, और मन रूपी इस बंदर को, मन रूपी इस बंदर को क्या किया, हमने मदरा उड़ पिला दी, विषय कसाई की मदरा पिला दी। वह मदरा अब उतरने वाली नहीं है, इस विषय कसाई की मदरा से जब हम उतरेंगे तब जा कर के हम ऐसे ही थोड़ा भी अगर अपन यत्न करते हैं, थोड़ा भी अगर अपन यत्न करते हैं इस पंचम काल में क्रोध की बस से अगर उतर जाएंगे तो हम आगे मोक्ष महल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। समय आपका हो गया, अभी तो विषय कसाय बाकी है, मान बाकी है, लोभ बाकी है, अब देखते हैं आगे। और लोभ और उसके लिए कहते हैं कैसे चलें, तो कहते हैं देख कर चलो, देख कर उठो, देख कर बैठो, क्रियाएं छूट नहीं सकती हैं, ग्रस्त हो, लेकिन ग्रस्त में रहते रहते आप पाप कम कर सकते हैं। जानबूझकर देख करके अगर आप पाप करेंगे तो आपको पाप का बंध ही होगा, लेकिन अगर आप देख करके यत्न पूर्वक चलेंगे, यत्न पूर्वक बैठेंगे, यत्न पूर्वक खाएंगे, यत्न पूर्वक सोएंगे, तो आपको पाप का बंध कम होगा, आपको पुण्य बढ़ेगा, तब जा करके आप आगे अपनी मोक्ष की यात्रा कर पाएंगे। ऐसे ही हमारी मोक्ष की यात्रा प्रशस्त हो। देख कर चलें, देख कर बैठें, देख कर उठें, देख कर खाएं, देख कर के पानी पिएं, तब जाकर हम सफलता की ओर। अब आगे देखते हैं अपन, मान को देखेंगे, लोभ को देखेंगे, हमारी मोक्ष यात्रा प्रशस्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।